हेलो एवरीवन सर, कैसे हो आप सभी लोग एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की ये क्वारी आ रही है कि हम केवीपीवाई का जो है रिजल्ट कैसे चेक करें, हाउ टू चेक द रिजल्ट, हाउ टू गेट द स्कोर कार्ड, हमारे कितने मार्क्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं, क्या सारा प्रोसेस है, कैसे करें हम चेक। सर ये जो वेबसाइट है मेरे लैपटॉप पे खुली हुई है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप जैसे इस पेज पे आते हैं आपको ये सिंपली दिख रहा होगा, एक न्यू का जो ब्लिंक शो कर रहा है, देन उसके बाद लिखा हुआ है केवीपीवाई 2021 प्रोविजनल फेलोशिप अवार्ड, क्लिक हेयर, जो एक क्लिक हेयर लिखा हुआ है उस पर आपको जैसे क्लिक करते हैं तो फिर से जो है विंडो खुलेगा। विंडो खुलने के बाद देख सकते हो फिर से जो है एक लिस्ट आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये पेज है। ओके, सो अब आपको क्या करना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। ओके, कैटेगरी का मतलब है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, या फिर आप ओबीसी से हैं, या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं। ओके, अब जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से हैं, उनके लिए जो है ये फर्स्ट नंबर की जो दी गई है ऑल इंडिया रैंक लिस्ट जनरल मेरिट एंड कट ऑफ। ओके, एंड जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए, उनके लिए जो है वो थर्ड वाला सेकेंड वाला है, एंड जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, उनके लिए थर्ड वाला है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये तो जनरल के लिए है सर, ओबीसी वाले भी इसमें ही इंक्लूड है। अब आपको आगे क्या करना है, उसके बाद में ऑप्शन आता है कि आपकी जो भी सेक्शन होता है, जैसे एस ए वाले होते हैं वो 11th क्लास वाले होते हैं, एस एक्स वाले होते हैं और एस बी वाले होते हैं। ठीक है, जो भी है एस एक्स 12th एंड जो भी है फर्स्ट ईयर वाले, अब इनको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्ट्रीम एस ए, तो जो भी 11th क्लास वाले बच्चे हैं उस पर क्लिक करेंगे। ओके, सो आपकी जो फिलोशिप अवार्ड का जो पीडीएफ है आपके सामने खुल जाएगा वो। तो अगर आप अपने मोबाइल से चेक कर रहे हैं देन आपको यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो वो जो एप्लीकेशन है इस तरह से ब्लिंक हो जाएगा, आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास ये क्वारी आ रही है पेरेंट्स की, कि क्या जिन लोगों का इस सिलेक्शन लिस्ट में नंबर नहीं आया है क्या वो आईआईएससी के लिए और आईशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। श्योर, इसका जो मतलब है ये जो लिस्टें जारी की गई है इसका मीन ये निकलता है सिंपली सी कि जो ये स्टूडेंट है वो इलिजिबल है इसके लिए, जो भी आपकी स्कॉलरशिप आती है उसके लिए। इसका जो है किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो आईआईएससी बेंगलोर हो, चाहे वो आईशर हो, आईशर्स जितने भी है, उससे इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ये गारंटी नहीं है कि ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इनका आईआईएससी में हो जाए या फिर आईशर में हो जाए, एंड ये भी गारंटी नहीं है कि हो सकता है जिनका इसमें ना आया हो वो उनका भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी ये जो लिस्टें जारी की गई है इनका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये जो बच्चे हैं दिस इज जस्ट लाइक इंटेलिजेंट टाइप, आप समझ सकते हो जिनके जो मार्क्स है काफ़ी अच्छे मार्क्स है, सो वो जो स्टूडेंट है उनको सेलेक्ट किया गया है केवीपीवाई फेलोशिप अवार्ड के लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हम जो है हमारा स्कोर कार्ड कैसे देखें, हमारे फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, मैथमेटिक्स में कितना आया, सो वो हम कैसे चेक करें। सो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप होम पेज पे जा रहे हैं। ओके, सो ये होम पेज आएगा, तो यार यहाँ पे जो है एटलीस्ट आपको दो जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। आपको जो है एक विंडो शो कर रहा होगा रिगार्डिंग द स्कोर कार्ड के, तो आप जो है वहाँ पे अपना एक तो एप्लीकेशन नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ यूज करके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है जुलाई मंथ के अंदर आएगा, तकरीबन 2 से 3 जुलाई तक रिलीज कर दिया जाएगा, तो जो है उसकी वजह से जो हम डाउनलोड कर पाएंगे अपना स्कोर कार्ड। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट की एक ये क्वारी है रिगार्डिंग द एडमिशन की, भैया क्या हमारा इंटरव्यू राउंड होने वाला है आईआईएससी का। सो यार इस बार जो है कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स का, एंड डायरेक्टली जो भी है आपके मार्क्स के बेसिस पे जो है आपका एडमिशन कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, जितने भी आपके एंट्रेंस में मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा, आपके लिए कोई भी स्पेशल इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, जितना इतने कोविड से पहले जो होता था वो अब नहीं हो रहा। दिस इज फुल्ली बेसिस ऑन योर केवीपीवाई मार्क्स। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे जो है ऑप्शन शो कर रहा होगा 2 से 3 जुलाई तक, आप वेट कर ले, 2 से 3 जुलाई तक जो है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा।
जो KUPY के लिए आयशर के एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही लॉन्च कर दिए जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट काफी ऐसे हैं जो कि IISc में अप्लाई करना चाहते हैं। शायद जिन भी लोगों ने IISc में अप्लाई नहीं किया है, आई थिंक 30 जून तक आपके पास मौका है। 30 जून तक जो है आप IISc के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपके मार्क्स ठीक नहीं आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं, देन नो प्रॉब्लम। और आपके पास अगर स्कोर कार्ड नहीं है, देन जो है जैसे ही JEE के लिए और KUPY के लिए IISc का एडिटिंग ऑप्शन ओपन होगा, तो आप जो है अपना स्कोर कार्ड वहाँ पे बाद में अपलोड कर देना। अगर आपका इंटरेस्ट है IISc में और आपके पास अपने मार्क्स वगैरह नहीं है कि कितने आए हैं या कितने नहीं आए, तो आई फुली रिकमेंडेड यू कि आप जो है IISc के पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं रिगार्डिंग द एडमिशन। ओके, एंड और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे बता सकते हो। अब जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है KUPY के अंदर, वो जो है SA ब्रांच वाले जो हैं वो जो है फिर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यार जो स्टूडेंट 11th में 12th में हैं, उनके पास ऑलमोस्ट दो ही मौके होते हैं। देन तो थर्ड मौका मिलता है, वो मिलता है जो स्टूडेंट जनरल कोर्सेज कर रहे होते हैं, द BSc, BS, B.Statics, B.Met, इंटीग्रेटेड MSc, MS, वो जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन जस्ट लाइक आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड द हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो। एंड आई होप आई सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स। एलिजिबिलिटी का आप सभी को पता होगा ही, ये जो लिस्टें जारी की गई है इसका किसी भी एडमिशन से कोई नाता नहीं है। ये जो लिस्टें जारी की गई है, अगर आप इन लिस्टों का फायदा उठाना चाहते हैं, देन जो है आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे BSc, BS, B स्टैटिक्स, B मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड MSc, इंटीग्रेटेड MS। अगर आप ये करते हैं, देन जो है आपको फिलोशिप के अंदर जो है कुछ कुछ अवार्ड मिलेगा। अवार्ड के अंदर क्या क्या है वो भी आप अपनी इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपको जो है 5 साल का जो आपका अगर कोर्स होता है, तो जो है 3 साल तक 5,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से, साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। उसके बाद आने वाले 2 साल तक आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ओके, आपको जितने भी इंडिया के नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज है उनका एक्सेस मिलेगा। आपको जो है कार्ड दिया जाएगा, ID कार्ड दिया जाएगा, आप जो है वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा 60% आपके जो भी कॉलेज के अंदर मार्क्स होते हैं। हर सेमेस्टर के अंदर अगर आप 60% मेंटेन करके रखते हैं एकेडमिक मार्क्स, देन जो है आपके लिए ये अवेलेबल रहेगा। एंड जो आपके लिए समर प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जाएंगे, अदर प्रिविलेज के अंदर आप ये देख सकते हो, ये कुछ कुछ दिया गया है। इनका मेन मोटिव ये है कि बेसिक साइंस को आगे बढ़ाना एंड द स्टूडेंट चूज रिसर्च करियर इन द इंडिया। तो ये सारा सीन है। सो दिस इज द KUPY फिलोशिप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको बुरा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अपना व्यवहार इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।